जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आज नॉमिनेशन हुआ बाहुबली बाहुबली। अरे हो गया बाहुबली हो गया। नॉमिनेशन में आ गया तेजस्वी गहलोत जी कार्यक्रम में और आप लोगों ने जिस तरीके से इतना जनसलाब यहाँ उमड़ने का जो काम हुआ और जो दीदी को इतना समर्थन जो देने का आप लोगों ने काम किया बहुत खुशी हो रही है। और आपका माइके खराब है तो आवाज सही है। आगे का हमारा जो लड़ाई है संविधान को बचाना है। मिश्रा जी के लिए लगातार घूमने का हमने काम किया, मनेर में भी हमने घूमने का काम किया तो लेकिन आप साथ बोल रहे थे कि मेरा बिना परमिशन के कोई नहीं आता मनेर में। हम तो कहेंगे कि लालू जी का ना है पूरा बिहार, हम तो लालू जी का परमिशन। लालू जी का खून ना हम कामोनी के अंदाज में न जाएंगे, किसी के रोग अटोक हम रुक ना जाएंगे। माफ कीजिएगा माफ कीजिएगा। खून में कमी किसका है? अरे सब बजरंग दल का है। मनेर से लिख दिलाइए और ज्यादा हम कुछ नहीं बोलना चाहेंगे क्योंकि लड़ाई है अभी संविधान को बचाना। जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाने का जो काम हुआ है वो आरएसएस बजरंग दल और भाजपा वाले शुरुआत किए हम ही से पहले जब मंत्री थे। हम तो मिट्टी घोटाला बोला फिर तेजस्वी को पकड़ा फिर मीसा दीदी को पकड़ा मोदी जी सब जगह। पिछला जब महागठबंधन था नीतीश कुमार जी से पलटू चाचा जी से तो गठबंधन भाई कहां से आया? अब भागे कहां से थे? चोर दरवाजा से भागे आके गांधी मैदान में रैली जो हुआ था लवालम और जनता भरा हुआ था पूरा हुजूम था पूरा भी संतनाद हुआ। फिर मोदी जी या नीतीश कुमार जी ब्याह कर लिए ब्याह जब हो गया संपूर्ण तो उसके बाद देखने लगे कि तेज और तेजस्वी भाई काम कर रहा है बिहार की जनता के लिए। अस्पतालों में सड़क का जितना भी जो जिम्मेवारी हमको मिला गया था हम लोग काम करने लगे तो बस उनके आंख में कंकर की तरह चुभने लगे। उसके बाद इन्होंने सोचा कि हम ये पट्टी मार देना चाहिए बढ़िया मौका है लेकिन उन्होंने मौका गवा दिया। पट्टी मारने के बाद फिर समझौता किए उसके बाद धीरे धीरे इन लोगों ने अपना रंग दिखाने का काम किया। लालू जी को जेल में भेजने का काम किया। हम आपको बता देना चाहते हैं कि कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था जेल में वही मथुरा कारागार में कृष्ण भगवान वहां से निकले। उसके बाद महाभारत का लड़ाई हुआ था उसी महाभारत के लड़ाई में अर्जुन को कृष्ण भगवान ने उपदेश दिया कि मारो ऐसा कि सारा दुश्मन का क्षति हो जाए। अब आप लोग को सोचना है आप लोग को अपना पावर दिखाना है
कि मीसा देवी को पाटलिपुत्र से कैसे जिताना है। अभी तेजस्वी जी का भी हेलीकॉप्टर इधर से देखते हुए आए, उधर तेजस्वी जी देखे कि कृष्ण भगवान यहाँ बैठे हुए हैं। तो भाई रोड अभी आ रहा है तेजस्वी जी, उसके बाद तेजस्वी जी का एक बार फिर से यहाँ पे संक्रांत किया जाएगा। हाँ गवर्नमेंट तो आ ही रहा है, लेकिन सबसे पहले आज आप लोग को एक व्हाट्सएप हमको आया वाराणसी से, सुनिएगा। चाचा जी इधर देखिए ना, तिवारी चाचा जी आप ये देखे कि नहीं हो रहा, हिंदू धर्म संसद द्वारा अनुमोदित गोपनीय दस्तावेज, ये बीजेपी आदित्य वाले नया दस्तावेज तैयार किया है। अच्छा भैया, इन दस्तावेज जो तैयार किया है इसमें दिया हुआ है हिंदुत्व की पवित्र नगरी प्रयाग में हम राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल एवं अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा एक सामुदायिक हिंदू धर्म संसद के रूप में एकजुट होकर के संकल्प करते हैं कि भविष्य में हमारा एकमत संगठित प्रयास एवं लक्ष्य आरक्षण, देखिए आरक्षण की बात आई है, ये आरक्षण का इसमें दिया है कि आरक्षण की समाप्ति नया इलो लागू किया, ये आरक्षण को समाप्त कर दिया जाए और भारतीय संविधान को नष्ट करने एवं बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म एवं मुस्लिम धर्म के बढ़ते प्रभाव को समाप्त कर दिया जाए। देखो ये नया दस्तावेज बीजेपी का नया साधन मैं ये धन्यवाद देता हूँ तिवारी बाबा को। तो आपको पूरी तरीके से अब देखिए कि पूरा पाटलिपुत्र में बदनाम करने के लिए अभी रुपया घूम रहा है। आज उसका नॉमिनेशन हुआ है, इतना जनसराब नौजवान का अतेश प्रताप को देखा तो घबरा गया कि फिर से गरीब गुरुआ का राज आ रहा है, फिर से गरीब गुरुआ सोफा सेट पर बैठेगा। सोफा सेट पर नहीं, गरीब गुरुआ को हीरा का ताज पहना करके स्टेज पर लाकर वो बैठेगा। इसलिए आप लोग एक मत और एकजुटता का परिचय देने का काम कीजिए और मीसा दीदी को विजय बनाने का काम किया, यही अपील करने के लिए आपके बीच हम आए। आप फिर तेजस्वी जी आएंगे, उनका आप लोग भाषण सुनने का काम करें। आप लोगों ने इतना प्रेम और जन सलाम यहाँ उमड़ा, उसके लिए मैं बहुत बहुत आप लोगों मैं प्रणाम करता हूँ, भूखकर के प्रणाम करता हूँ और खुद एक बार प्रणाम करता हूँ और निवेदन करना चाहता हूँ, मैं आपसे मांगना चाहता हूँ कि मेरी दीदी को जिता करके यहाँ से भेजेगा आपका। ये आपके लिए यहाँ विकास की गंगा बहाने का काम करेगी, शेरनी है, ऐसी शेरनी से इस बार जितने भी सब बैरों पीरों जो घूम रहे हैं गीदर लोग सब इधर को छिटा जाएंगे। ये सब आपका आशीर्वाद, उस दिन वोट दिन वहाँ बटन पिंग पिंग बजा करके एकदम हिला देना है, गड़बड़ छोड़ा देना है। बहुत बहुत प्रेम और इसी तरीके से एकजुटता, एकजुट रहना है कि नहीं रहना, इधर भी हाथ थोड़ा उठा दिया भाई भी अंदर भी हाथ नहीं उठाए। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सकें।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।